रोजाना सुपरहिट मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन क्लासिक मूवीज। Thank you.
नकल उतारी तुमने। तुम्हें नाचते देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी कठपुतली में जान पड़ गई हो। वाह, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। क्या मतलब? मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ जो मेरे को नचा लोगे। जा, रास्ता आपो। ए, ठहरो, इधर आओ। क्या है? बैठो बैठो बैठो। किधर रहते हो? सड़कों पर। सड़कों पर? घर नहीं क्या? कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो जगह जगह घूमता हूँ और सड़कों पर तमाशा दिखाता हूँ। जहाँ रात आई वहीं घर बना ली। ओह, मेरे बाप दादा भी यही काम करते थे, यही तमाशा दिखाते थे सड़कों पर। वो सड़कों पर जिए और सड़कों पर मर गए। तुम्हारा तमाशा अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सच? मेरे को क्या, सभी को अच्छा लगा। ये लो चने। तुम्हारे को चने अच्छे लगते हैं ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे। मालूम है, जो इस शहर में चने, केला और इकन्नी वाली चा न होती तो आधा शहर कभी का मर चुका होता। इकन्नी के चने खाओ, ऊपर से दो लोटा पानी पियो तो अगले दिन तक छुट्टी। सच कहती हो, शायद इसीलिए दुनिया में गरीब आज तक जिंदा है। तुम इधर गरीबों की बस्ती में काहे को तमाशा दिखाती हो? तो और कहाँ जाऊं? तुम उधर तमाशा दिखाए करो जिधर बड़ी बड़ी लोग रहते हैं, क्या समझे? गया था लेकिन किसी ने पास फटकने न दिया। अच्छा, पास नहीं फटकने दिया? ऐसी बात है? बात नहीं, चलो उठो। हम एक ऐसी जगह जाएंगे जिधर वो लोग खुद आएंगे। तुम देखना, वो भागे आएंगे, बड़ी बड़ी मोटरों में बैठ के आएंगे और तुम्हारा तमाशा देखेंगे। हाँ, वो कैसे? मैं बताती हूँ, चलो मेरे साथ। आप ऐसे समझिए, उस तरफ कठपुतलियाँ रहेंगी और इस तरफ एक दो तीन चार पांच लड़कियां होंगी। हाँ देखिए, लड़कियां बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। उस तरफ कठपुतलियाँ नाचेंगी और इस तरफ लड़कियां नाचेंगी, दोनों का नाच एक जैसा होगा, समझे ना? अच्छा मैं करके बताती हूँ। तैयार हो ना? बोल रे कठपुतली डोरी, कौन संग बांधी, सच बतला तू नाचे किसके लिए? बोल रे कठपुतली डोरी, कौन संग बांधी, सच बतला तू नाचे किसके लिए? कठपुतली डोरी पिया संग बांधी, मैं नाचूं अपने पिया के लिए। कठपुतली
छोड़ो ये बकवास। यहाँ जिंदा नाच गाना होता है, ये मुर्दा जिंदा नहीं चलेगा। निकल जाओ यहाँ से। हाँ, दोनों को उठा के बाहर फेंक दूंगा। गेट आउट। जी जाते हैं। दैट्स गुड। हेलो, मैं तुम्हें काम दूंगा, तुम बहुत अच्छी कलाकार बन सकती हो। अजी, मेरे को नहीं, इसको काम चाहिए। ये कौन है? मालूम, मगर ये कठपुतली अच्छा नचाता है। तुम थिएटर में काम करोगी? जी, मैंने ये काम कभी नहीं किया। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नहीं नहीं, मैं थिएटर में काम नहीं करूंगी, थिएटर वाले लोग अच्छे नहीं होते। चलो। तुम इधर आओ, चलो मेरे साथ। तू अभी तक स्कूल काहे को नहीं गई? कैसे जाती? 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं दी, आज भी नहीं दी, तो स्कूल में नहीं बैठने देंगे? कैसे नहीं बैठने देंगे? अपनी किताबें उठा और चल मेरे साथ। दस और दो 12, सब 12 शेर हुआ। बस 12 शेर? ए, जरा हाथ हटा तो, हटा। सफाई दिखाता है? हाँ, ठहर, मैं वजन करती हूँ। तो कम 20 शेर से ऊपर है। हाँ बाबा, 18 शेरी सही। 18 शेरी सही, बोले 18 शेर का क्या हुआ? जरा हिसाब करना चाहिए। 12 आने शेर तो 2 कम 20 शेर के कितने पैसे हुए? 13 रुपए 8 आने। ये ले, देख ले, खड़े है ना सब। बोरी ला जल्दी। दीदी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, पढ़ाई पर बहुत खर्च आ जाता है। पगले किधर की बोल, कितनी फीस देनी है? नहीं दीदी, तुम खून पसीना एक करके पैसा कमाती हो और वो सब मेरी फीस में चला जाता है, मेरी किताबों और कपड़ों पर खर्च हो जाता है। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी दीदी, नहीं जाऊंगी। रोने ही चाहिए, रोने, आंसू बड़ी कीमती है। गरीबों को जीने का वक्त नहीं मिलता, रोने का वक्त किधर है? मेरी चांदनी स्कूल जाएगी, फिर कॉलेज जाएगी, फिर किसी बड़े वकील से शादी करेगी, और फिर और 5 ही बच्चों की माँ बनेगी। बस करो दीदी। बेटा बेटा बेटा, सब बस। कहाँ कहाँ घुमाए बेटा? घुमा नहीं बाबा, गाड़ी में बैठा रहा और गाड़ी घूमती रही। और हॉर्न किसने बजाया था? मैंने। शाबाश। कौन है? जी वो कठपुतली वाली, वो कहाँ है वो? जी वो, जी जी मैं इधर हूँ। आओ, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जी
मैं जानता था तुम जरूर आओगी। अच्छा बैठो 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 बैठो। जी मैं आपसे ये बोलने आई थी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ सारी बातें। तुम आ गई बस इतना काफी है। एक तरफ वो कठपुतलियां होंगी और दूसरी तरफ तुम, एक तरफ वो नाचेंगे और दूसरी तरफ तुम, और उन बेजान कठपुतलियों में जान आ जाएगी। हम अभी शुरू करते हैं। जी मैं ये बोलने आई थी कि उसकी सारी कठपुतलियां जल गई हैं और वो अस्पताल में पड़ा है। वो कैसे, क्या हुआ था? वो मोटर के नीचे आ गया था। मोटर के नीचे? जी, और मैं उसी की खातिर काम चाहती हूँ। ओह, तो फिर हम कुछ और सोच लेंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। आप मेरे को नौकरी देंगे? नौकरी? तुम एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनोगी, एक शानदार सितारा। तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा, ये भरोसा करना पड़ेगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूं। मैं तुम पर मेहनत करूंगा, तुम खुद मेहनत करोगी। तुम्हें बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी पुष्पा। इस रास्ते में कदम कदम पर मुसीबतें आएंगी, कदम कदम पर मुश्किलों का सामना होगा, कदम कदम पर तुम्हारा दिल टूटेगा, समझी? लेकिन अगर तुमने हिम्मत ना हारी तो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगी। बोलो तुम ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? चलो। नजर नजर, वक्त 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 वक्त, ख्वाब 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 ख्वाब। शाबाश। एक दो ता थुंगा टक्का थुंगा टिक टिक ता टक्का थुंगा टिक 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 थे ता ता 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 थे ता ता। आ वाह वाह। बदल गए मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। सपनों की महफिल में हम तुम नए, सपनों की महफिल में हम तुम नए। मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। नजरों से दूर, दुनिया की नजरों से दूर जाते हैं हम तुम जहां। उस देश की चांदनी गाएगी ये दास्तां। मौसम था वो बहार का, दिल थे मचल गए। सपनों की महफिल में हम तुम नए, मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए।
छुप ना सके मेरे राज, छुप ना सके मेरे राज, नगमों में ढलने लगे, रोका था फिर भी ये दिल, पहलू बदलने लगे। ये दिन ही कुछ अजीब थे जो आज कल गए, सपनों की महफिल में हम तुम में, मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए, मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। वो हमें 200 रुपया तनख्वाह देने को तैयार है। तो जाओ तुम जाके ले लो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे खातिर उधर गई थी, अपने खातिर नहीं। मेरे को उसका काम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, समझे? जाओ, चलते बनो। अच्छी बात। अब तू ऐसे मुंह बनाए काहे को खड़ी है, तेरे को भी कुछ कहना है? हाँ हाँ, कहले कहले कहले। वो बेचारा तो हमारे भले के लिए कह रहा था दीदी, और तुमने उसे डांट दिया, तुम्हें उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, मैंने बेइज्जती की है तो जाके माफी मांग लूंगी। तू जाके अपनी किताब लेके बैठ। तुम हमें बुरा समझती हो, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। बहुत लोग हमें बुरा समझते हैं, और शायद वो ठीक ही कहते हैं। बुराइयां हर आदमी में होती हैं, हर इंसान गलती करता है, मगर दूसरों की गलतियां माफ हो जाती हैं, हमारी गलती कोई माफ नहीं करता, क्योंकि हमें लगातार दुनिया की नजरों के सामने रहना पड़ता है। हमारे ऊपर सिर्फ स्टेज की तेज रोशनी ही नहीं चमकती, बल्कि हजारों लाखों आंखें हमारी एक एक हरकत को घूर घूर कर देखते हैं। हमारी जिंदगी के हर पहलू पर हर आदमी को हर समय राय देने का अधिकार रहता है। इसे बर्दाश्त कर लेना कोई आसान काम नहीं है, इससे कई बार हमारे कलेजे छलनी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम मुस्कुराते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जनता का मनोरंजन करते हैं। मैं ये मानता हूँ हम में से कुछ लोग वाकई बुरे हैं, हद से ज्यादा जलील है, उनकी वजह से हमारे सर शर्म के मारे छुप जाते हैं। लेकिन जानती हो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं हाथ बटा दूं? तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। चांदनी बोलती थी मैंने तुम्हारी बेइज्जती की। कोई बात नहीं, माफी मांगने आई हूँ, गलती होगी। गलती तो मेरी थी जो मैंने तुमसे कहा सुना। नहीं, गलती मेरी थी, जरूर मेरी थी, नहीं तो तुम मेरे से कभी नाराज नहीं होते और मेरे को अपने साथ काम करने देते। तुम क्या करोगी, ये कठपुतली का तमाशा है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। ऐसी जलीकटी काहे को सुनाते हो, अब गुस्सा जाने दो ना, ला मैं हाथ बटाती हूँ। लेकिन तुम्हें इस काम का क्या पता? तो मैं सीख लूंगी, जो तुम मेरे को कठपुतली नचाना सिखा दो तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। बोलो, सिखाओगे ना?
क्यों? मैं तेरे को अच्छी नहीं लगती? तू तो बड़ी अच्छी है। सच? तो हम दोनों जगह जगह घूमेंगे और तमाशा दिखाएंगे। तुम कठपुतली नचाना और मैं गाकर कहानी सुनाऊंगी। कितना मजा आएगा। तुम सचमुच मेरे साथ काम करोगी? वादा करती हूँ। लेकिन अब कुछ नहीं। अरे पुष्पा, क्या मेरी कठपुतलियां भी टूट गई? तुम अच्छे हो जाओ तो और कठपुतलियां बन सकती हैं। तुम नई कठपुतलियां बना लेना और फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। याद है हमने वादा किया था? हाँ पुष्पा, लेकिन शायद अब मैं कभी कठपुतलियां नहीं नचा सकूंगा। क्यों नहीं, तुम जरूर नचाओगे। तुम इधर थोड़े दिन अस्पताल में रहो, उसके बाद मैं तुम्हें घर ले चलूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। चली जाओ यहाँ से, कोई काम वाम नहीं है। खाना पकाना जानती हो? बाबरची है। बर्तन धोना जानती हो? नौकर है। कपड़े धोना जानती हो? धोबी है। बूट पॉलिश करना जानती हो? वो मेरा काम है, मैं करता हूँ। चली जाओ यहाँ से, कोई काम वाम नहीं है। भगवान के लिए मुझे अंदर जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ती हो? जोड़कर यहीं खड़े रहो, मैं अभी आया। वो लड़की आपसे मिलना चाहती है। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, भागो यहाँ से। यहाँ आओ, यहाँ नहीं नहीं घबराओ, यहाँ आओ, आओ। तुम्हें नौकरी चाहिए ना? बहुत अच्छी नौकरी है तुम्हारे लिए। जी? हाँ, खाना पीना मुफ्त, रहने की जगह मुफ्त। हाँ, दिन भर फुर्सत। अच्छा। और 50 रुपये तनख्वाह। जी? वो मैं अपनी जेब से दूंगा, लेकिन भगवान के लिए दोबारा यहाँ नौकरी की तलाश में नहीं आना। जा रही हूँ। अगर तुम भी चलते तो कितना अच्छा होता। मेरी फिक्र न करो, मैं यहाँ पड़े पड़े तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अच्छा मैं जाऊँ? हाँ। क्या कर रहे हो? चने। चने मुझे भी दो ना। ओह चांदनी, चांदनी मेरे जूते जल्दी ला, जल्दी ला। अच्छा मैं जाती हूँ। छाती बुरी तरह भरी हुई है और बुखार तेज। जी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, बुखार कल तक बिल्कुल उतर जाएगा। जी। सुना बोला बेटे, डॉक्टर साहब कह रहे थे कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जानते हो फिर हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा लूंगा, फिर हम खूब सैर करेंगे, खूब सैर करेंगे। मैं चाहता था कि आज आप उसके पास ही रहते। मैं भी ये चाहता था डॉक्टर, लेकिन मजबूरी है। आज नए खेल की पहली रात है और पहली रात हम लोगों के लिए हमेशा एक इम्तिहान होती है। कौन जाने वहां क्या हो जाए। मेरा जाना बहुत जरूरी है।
मेरे बच्चे के पास आप हैं, भगवान हैं। मुझे देर तो नहीं हुई। बेशक, खेल शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया। वो असल में रास्ते में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से पहुंची। मुझे मालूम था। सुनिए सुनिए, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। वो हमेशा होती है, तुम्हें जितनी घबराहट हो उतना ही अच्छा है। चलो देखिए सुनिए तो। अब क्या है? मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। क्या बेवकूफी! मैं सच कहती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब छोड़ दीजिए। मैं जानता हूँ, पहले दिन हर आर्टिस्ट को डर लगता है, लेकिन ये डर सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक वो स्टेज पर नहीं जाता। जब तुम भी उन सैकड़ों लोगों के सामने जाओगी तो ये डर हमेशा के लिए मिट जाएगा, समझी? नहीं नहीं नहीं, आज मुझसे ये काम नहीं होगा, आप किसी और से करा लीजिए। अरे बॉस, गजब हो गया। क्या हुआ? अरे वो आप मिलती नहीं, उसको घर में ढूंढा, रास्ते में ढूंढा, बनिए की दुकान में ढूंढा, ढूंढ ढूंढ कर थक गया। कौन? अरे आपकी हीरोइन पुष्पा। ये कौन? ये तो पुष्पा है। अरे आध घंटा रह गया शो के लिए और तुम यहाँ बैठे गप मार रही हो। चलो जल्दी, कमाल कर दिया तुमने, मालूम 15 रुपया खर्चा हो गया टैक्सी के अंदर तुम्हें ढूंढने के लिए। चलो अच्छी है। अरे पन्ना गिराओ, पन्ना गिराओ। बुकिंग ऑफिस से अपने अपने पैसे वापस ले सकते हैं। मैं इस थिएटर की दुनिया में 20 साल से काम कर रहा हूं और मैंने इस थिएटर में यह तमाशा 20 बार देखा है। जब भी कोई नया कलाकार आता है आप लोग यही तमाशा दिखाते हैं। आप भूल जाते हैं कि एक नए कलाकार के लिए पहली रात एक इम्तिहान की रात होती है। दूसरे लोगों की तरह वो डर सकता है, घबरा सकता है, लड़खड़ा सकता है, लेकिन नहीं, उसकी हिम्मत बढ़ाने की बजाय आप उसका मजाक उड़ाते हैं। उसको एक और मौका देने की बजाय आप उसकी कला का अपमान करते हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप में से कोई शख्स सिर्फ एक मिनट के लिए यहां स्टेज पर तशरीफ ले आए और इन हजारों आंखों के सामने खड़े होकर 2 लफ्ज बोल दे, 2 लफ्ज, हिम्मत। मुझे मालूम था स्टेज पर आना आसान काम नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपने जैसे दुत्कारा है, कल शायद उसी के ऊपर आप फूल बरसाएंगे, वो स्टेज के आकाश पर चांद और सूरज की तरह चमके।
इतने बड़े जहां में ये दिल तुझको तुझको अकेला छोड़ूं कैसे तुझको तुझको अकेला छोड़ूं कैसे तुझको तू नादान लोग बेगाने इन संग नाता जोड़ूं कैसे इन संग नाता जोड़ूं कैसे इन संग
मुबारक हो। जो हमें शोहरत और कामयाबी देता है, जो हमारी जिंदगी बनाता है, जो हमें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देता है, उसे गालियां मिलती हैं और हमें मुबारकबाद, उस पर जूते फेंके जाते हैं और हम पर फूल बरसाए जाते हैं। पुष्पा, यही हमारा इनाम है, यही हमारी जिंदगी है। इसी को कहते हैं तमाशे की दुनिया, शो बिजनेस। हेलो, हाँ हाँ, क्या? अच्छा, मैं भी आता हूँ। मैं आ गया बेटे। क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, मेरी माँ कहाँ है? मैं उसके पास जाऊंगा। माँ के पास जाओगे बेटा, माँ के पास। घबराओ नहीं बेटा, मैं कल तुम्हें अपनी गाड़ी में ले चलूंगा, हम दिन भर घूमें। हाँ बाबा, माँ के पास ले चलोगे? हाँ बेटा, दूर दूर की सैर करेंगे, मैं गाड़ी चलाऊंगा और तुम हॉर्न बजाना। हाँ बाबा, लेकिन जरूर चलना। हाँ बेटी, जरूर चलेंगे, जरूर। तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी वीरान हो गई थी, मेरी दुनिया में कुछ नहीं रहा था, लेकिन बूला से वो फिर आबाद हो रही थी, मेरी जिंदगी में कुछ रौनक आ गई थी। उसे मच्छी, मेरे पास तुम्हारी वही एक निशानी है। उस मच्छी को बाद अपा मुलाजा होशियार, माँ बदौलत तशरीफ ला रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे लेकिन ये घर है, स्टेज नहीं। मैं अंदर आ सकता हूँ? सुना दोस्त, क्या हाल है पाँव हाथ का? डॉक्टर ने कहा है कल पलस्तर उतरेगा, उसके बाद मैं चल फिर सकूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा अच्छा डॉक्टर है, लेकिन सिर्फ चलने फिरने से काम नहीं चलेगा। हाँ, उछलना कूदना भागना दौड़ना ये सब चाहिए दोस्त, सब चाहिए। नमस्ते मनोहर बाबू। ओ नमस्ते पुष्पा जी, नमस्ते। कहो क्या हो रहा था? खाना पका रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? जी हाँ, 3 बेडरूम 3 बाथरूम, 1 हॉल 1 किचन, 20 दरवाजे, 40 खिड़कियाँ, हवा पानी बिजली सब मौजूद। क्या मतलब? मतलब फ्लैट, यानी आपके लिए एक नया फ्लैट। पड़ोस में इधर पारसी, इधर गुजराती, इधर बंगाली, इधर पंजाबी, ऊपर मारवाड़ी, नीचे मद्रासी, कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी को नहीं देखता, कोई मरे जिए कोई किसी के पास नहीं आता, सब बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन मुझे नया मकान नहीं चाहिए, ये मकान अच्छा भला है और आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा इन्हीं लोगों में रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, अब तुम्हें इस मकान में एक दिन भी रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
पहले तुम पुष्पा थी, अब तुम मिस पुष्पा हो। बहुत बड़ी आर्टिस्ट, बहुत बड़ा सितारा। जिस तरह आसमान के सितारे लोगों से दूर रहते हैं, उसी तरह तुम्हें भी लोगों से दूर रहना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कल से तुम्हें उस मकान में रहना होगा, ये लोकनाथ बाबू का हुक्म है। उनका हुक्म है, लेकिन जब तक ये अच्छा ना हो जाए मैं कैसे यहाँ से जा सकती हूँ? मैं जाकर उनसे बात करूंगी। नहीं नहीं, इस वक्त उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। उनका बच्चा सख्त बीमार है। बच्चा बीमार है? हाँ, 7 दिन से। लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं बताया। वो कभी नहीं बताते, जब से उनकी बीवी मरी है न जाने उन्हें क्या हो गया है। अच्छा? हाँ, शायद तुम नहीं जानती, उनकी बीवी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। वो उनके लिए एक रोशनी थी, वो रोशनी भी उनसे छीन ली गई। अब उनका बच्चा ही उनके लिए सब कुछ है, और वो भी हमेशा बीमार रहता है। कैसी हो? आज सुबह सुबह कैसे चली है? उसका क्या हाल है? बोला कैसा है? ठीक है। नहीं, वो ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ वो ठीक नहीं। मैं कहता हूँ वो ठीक है। वो ठीक हो जाएगा, 2-4 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो इतने दिन से बीमार है और आपने कभी बताया तक नहीं। उसका क्या फायदा था? तुम परेशान हो जाती और लोग परेशान हो जाते, खेल खराब हो जाता। खेल? आपको खेल के लिए सब कुछ सहना पड़ता है? हाँ पुष्पा, हम अपने जख्म किसी को नहीं दिखा सकते, हमें अपना दुख दर्द दुनिया से छुपाना पड़ता है, आंसू पीकर मुस्कुराना पड़ता है, यही हमारी जिंदगी है। भगवान के लिए और कुछ मत कहिए, मत कहिए। लेकिन ये सच है पुष्पा, जानती हो लोग अपना दिल बहलाने के लिए हमारा खेल देखने आते हैं। बेचारे जिंदगी के बोझ तले दबे रहते हैं, अपने दुख दर्द से परेशान, वो कुछ देर के लिए जिंदगी से भाग जाना चाहते हैं, दुख दर्द भुलाना चाहते हैं, कुछ खुशी हासिल करना चाहते हैं। वो हमसे खुशी खरीदते हैं, हमारे आंसू नहीं। बाबा बुलाता है। आता हूं। खेल के लिए ठीक वक्त पर पहुंच जाना। और तुमने यहां आने की जो तकलीफ उठाई है उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारी दुआ से बुला बहुत जल्दी अच्छा हो। बच्चे का क्या हाल है? मालूम नहीं। क्या मतलब? वो किसी को कुछ नहीं बताते, किसी को कुछ नहीं करने देते, किसी को अपना दुख नहीं बांटने देते। कौन? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे डर लग रहा है। डर? तुम्हें किस बात का डर है? मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरा दम घुट रहा है, जी चाहता है कहीं भाग जाओ, ये सब छोड़कर चले जाओ। पुष्पा, क्या हुआ है पुष्पा? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम अच्छे हो जाओ, मेरी खातिर तुम जल्द अच्छे हो जाओ। हाँ हाँ, घबराओ नहीं पुष्पा, कल डॉक्टर मेरा प्लास्टर उतारेगा
उसके बाद मैं फिर वैसे ही चल फिर सकूंगा। पुष्पा, मैं अच्छा हो गया हूं, देखो मैं चल सकता हूं। हाँ पुष्पा, देखो मैं चल सकता हूं। पुष्पा, हाँ हाँ, कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब, दैट्स ऑल राइट। यस पुष्पा, चलो घर चलो। घर? हाँ, मैंने बहुत अच्छा घर बना लिया है, चलो। बहुत अच्छा मकान है। तुम्हें पसंद है? हाँ, भगवान करे तुम हमेशा यहाँ खुश रहो। तुम नहीं, हम कहो। मैंने ये सब कुछ अपने लिए नहीं, हम दोनों के लिए बनाया है। याद है एक बार हम बराबर के हिस्सेदार बने थे और हमने हाथ मिलाया था? वो उस वक्त की बात है पुष्पा, जब मेरे पास कठपुतलियां थी, जब हम गरीब थे। गरीबी में मिले हुए हाथ कभी नहीं छूटते। पुष्पा, अब मैं गरीब ही नहीं, बेकार भी हूँ। मेरी टांग टूट गई है, मेरा हाथ हमेशा के लिए चला गया है। तो मेरे हाथ किस लिए है? मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। पुष्पा, आज जो कुछ तुम कह रही हो, कहीं इसके लिए तुम्हें पछताना ना पड़े। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पुष्पा, शादी शादी शादी, अरे शादी बहुत बड़ी नेमत है, शादी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, शादी हर इंसान का पैदाइशी हक है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ताली बजाओ, ताली बजाओ जल्दी जल्दी। अरे कोई ताली नहीं बजाता। वेरी बैड वेरी बैड। देखो पुष्पा, शादी हर लड़कियों के लिए अच्छी है, तुम्हारे लिए नहीं। अरे तुम तो स्टार हो, तुम्हारी जिंदगी तो लोगों के लिए है, स्टेज के लिए है। अगर ऐसी बात है तो मैं स्टेज की मल्लिका बनने के बजाय घर की रानी बनूंगी, क्या ख्याल है आपका? वेरी गुड, बहुत अच्छा ख्याल है। वेरी बैड बैड वेरी बैड ख्याल है। देखो पुष्पा, मुझे तुम्हारे जाति कामों में दखल देने का कोई हक नहीं, लेकिन मैं तुम्हें राय दे सकता हूँ, मशवरा दे सकता हूँ, नसीहत कर सकता हूँ, वो भी सब मुफ्त मुफ्त। शुक्रिया, लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिएगा, मैं स्टेज और घर दोनों को संभालूंगी, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे लेकिन तुमने लोकनाथ बाबू से बात की थी? नहीं, लेकिन आज खेल के बाद जरूर करूंगी। आप जरा मेरे साथ चलिएगा, चलेंगे ना? हाँ जरूर चलूंगा। भूख भूख भूख। अरे पहले जमाने में तो लोग फल खा के जिया करते थे, आजकल तो फल क्या, सूखी रोटी भी मुश्किल से मिलती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हे भगवान, हे रोटी 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 रोटी। दो भूखे आधी तू ले और आधी मैं भी भूखा हूँ। भूख। अरे ये आवाज काहे की है? कि इधर 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 खुश हो रही है? इसमें मेरा भी हक है। तेरा कैसा हक है? अरे भाई, फकीर को आधी रोटी मैंने दी थी ना।
और मैंने भी आधी रोटी दी थी। इसका मतलब है कि ये आधी दौलत तेरी है और आधी दौलत तेरी है। सच्चाई तो भगवान जानता है। क्यों बेटे, सोए नहीं अभी तक? नहीं बाबा, मैं सच्ची कहानी नहीं सुनाती। अच्छा, तो लो मैं सुनाता हूं।
एक था राजा। राजा की कहानी तो सुनाई थी बाबा। अच्छा तो लो दूसरी सुनाता हूँ। पुष्पा तुम यहाँ कैसे? मैं भोला को देखने आई थी। देखो आंटी तुमसे मिलने आई। शुक्र है तुम अच्छे हो गए। आंटी बाबा कहते थे तुम बहुत अच्छी हो। आंटी तुम मेरे पास रहोगी? हाँ अगर तुम कहो तो। जाओगी तो नहीं? नहीं बोला मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अब तुम लेट जाओ। अब आंखें बंद कर लो। सो जा रे सो जा।
तुमने मेरे बूढ़ा को आराम पहुंचाया है, उसे सुख दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूल सकूंगा। और उसकी मां की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देगी। रो क्यों रही हो पुष्पा? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कह दीजिए कि आप मुझे पूला की देखभाल करने देंगे, चाहे कुछ भी हो मुझे उसके पास रहने देंगे, उसे मेरी जरूरत है, वादा कीजिए। ये सब क्यों कह रही हो? मैं शादी कर रही हूं और मैं आपसे यही कहने आई थी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई थी। भगवान तुम दोनों को सुख शांति से रखे। बैठो बैठो, इसे अपना ही घर समझो, मैं भी आता हूं। बेटे तुम जाकर अब आराम से लेट जाओ। जाओ। मैं ले चलती हूँ, आओ बोला। मैं जरा काम में लगी रही भूला, बहुत काम था। तुम काम मत करो आंटी, तुम नहीं आती तो मुझे नींद नहीं आती। अच्छा भूला, अब मैं रोज आऊंगी, अब तू खुश हो ना? अच्छा भूला, तुम यहां बैठो, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं, तुम ना जाओ आंटी। मैं अभी आ जाऊंगी। आओगी ना? हाँ हाँ, बस अभी। अरे कहाँ चले गए? सुनते हो जी, वो कहाँ गए? अभी तो यहाँ बैठे थे। वो तो चले गए। चले गए? क्या हुआ पुष्पा? कुछ नहीं। तुम वहां से क्यों चले आए? यो ही, कोई खास वजह नहीं। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं पुष्पा, मैं ये सोच रहा हूँ शायद ये आराम की जिंदगी मुझे रास ना आए। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ, मैं गरीब पैदा हुआ था, मेरी सारी जिंदगी सड़कों पर बीत गई, मैंने ये सब कुछ ख्वाब में भी नहीं देखा था, और फिर ये सब कुछ मेरा तो नहीं है। तो ये मेरा भी नहीं है, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ फिर सड़कों पर चली जाऊंगी। पागल न बनो, तुमने इन सब चीजों के लिए बहुत मेहनत की है, खून पसीना ये किया है, बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ बनाया है। लेकिन इस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। अगर तुम यहां खुश नहीं तो मेरे लिए सब बेकार है।
मुझे ये आलीशान मकान नहीं, घर चाहिए। मुझे दौलत और शोहरत नहीं, सुख चाहिए। मुझे लोगों की तारीफ नहीं, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। पुष्पा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें परेशान किया। सुनो, तुम जब कहोगे मैं थिएटर छोड़ दूंगी। तुम जब चाहो मुझे कह देना, होगे ना? हाँ हाँ, कह दूंगा। चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, सख्त भूख लगी है। आओ। Thank you.
बेटे में क्यों नहीं आए? जरा काम कर रहा था। क्या काम कर रहे थे? बैठो बताता हूँ। ये देखो कठपुतली। हाँ। कहाँ से ली है? मैंने बनाई है। तुमने? हाँ। अब मैं कठपुतलियां तो नहीं नचा सकता, लेकिन काठ की पुतली जरूर बना सकता हूँ। जानती हो यहाँ एक व्यापारी है, उससे मेरी बातचीत हुई है। अगर उसे कठपुतली पसंद आएगी तो मुझसे बहुत सी कठपुतलियां बनवाएगा। लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, इससे मैं घर का बोझ उठा सकूंगा। फिर तुम्हें दिन रात स्टेज पर काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। भगवान करे वो दिन जल्दी आए। हाँ, मैं कल ही उसे ये दिखाने ले जाऊंगा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं दूंगी, ये मेरी। देखिए हम ऐसे खिलौने नहीं बेचते, लेकिन हाँ मेरा एक दोस्त पटना में खिलौनों का बहुत बड़ा कारखाना खोल रहा है। अगर आप कहें तो मैं इसे उनके पास नमूने के बतौर भेज सकता हूँ। जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं, और हाँ अगर उसे पसंद आ गया तो वो आपको नौकरी भी दे देगा। अच्छा शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पता? जी मेरा पता शिवराज, मालाबार हिल, फ्लैट नंबर 8, खुसरो मंजिल, बम्बई। जी हाँ बम्बई। नमस्ते। डॉक्टर उसके पास है। मैं जानता था तुम उसे मार डालना चाहते थे, मैं जानता था तुम उसे खत्म कर देना चाहते थे। मैं ये उसी दिन से जानता था जिस दिन मैंने उसे शादी की थी। वो तुम्हारे यहाँ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो मैंने उसे यहाँ आने को कहा, तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए मजबूर किया। मैं समझता था तुम एक शरीफ आदमी हो, एक नेक इंसान हो, लेकिन अब मुझे पता चला तुम इंसान नहीं शैतान हो, शैतान। तुमने उसे जाल में फंसा दिया। तुम उसे दौलत और शहरत के सबज बाग दिखाते रहे, तुम उस पर दौलत बरसाते रहे, तुमने उसे अपनी उंगलियों में नचाया, और उसके बाद जब फिर भी तुम उसे हासिल कर सके तो तुमने अपने बीमार बच्चे को उसके पीछे लगा लिया। खामोश, चुप रहो जलील कमीने कुत्ते। मेरी बीवी कैसी है? घबराइए नहीं, बिल्कुल ठीक है। और हाँ एक खुशखबरी भी है, आपकी बीवी बहुत जल्द माँ बनने वाली है, आप उसे जाके देख सकते हैं। देखिए आप उसे ज्यादा काम वाम न करने दीजिए, उसे आराम की जरूरत है, खतरे की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट। सोया नहीं बेटा? नहीं बाबा, आंटी कहाँ है? वो आज नहीं आएगी, उसकी तबीयत कुछ खराब है। तो मैं सोऊंगा कैसे? आज अपने आप ही सो जाओ ना। तुम कहाँ जा रहे हो बाबा? ऊपर, मेरे सर में कुछ दर्द है। तो दवा पी लो बाबा, और तुम भी सो जाओ। अच्छा ऐसे ही करो।
क्यों बेटे, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? बाबा तुम्हारा सर दुखता था ना, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। आपने बुलाया? हाँ, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। मैं थिएटर छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। कितने दिनों के लिए? मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कुछ दिनों के लिए, हो सकता है हमेशा के लिए। पुष्पा अगर काम नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप थिएटर छोड़कर चले जाएं। आपने सैकड़ों पुष्पा बनाई, वो सब चली गई लेकिन आप कभी नहीं गए। अगर आप चाहें तो किसी को भी स्टार बना। मुझे मालूम है, मगर मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता। अब थिएटर का सारा बोझ तुम पर है, तुम लोग मिलकर इसे चला सकते हैं। मैं जानता हूं मेरे चले जाने के बाद तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। तुमने मेरे लिए खून पसीना एक किया है, अपनी जिंदगी के सुनहरे दिन मुझे दे दिए हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं। ये रही और ये चेक, बैंक में जितना रुपया है निकलवा लो। ये थिएटर तुम्हारा, थिएटर का सब कुछ तुम्हारा है। लड़की हुई है, पहली लड़की घर की लक्ष्मी होती है। पटना में खिलौनों का बहुत बड़ा कारखाना खुल रहा है, उन्होंने मुझे बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है। अगर बात बन गई तो मुझे पटना में नौकरी मिल जाएगी। हाँ दीदी, बहुत अच्छी नौकरी है। क्यों, ठीक है ना पुष्पा? हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें पटना जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मैं 2-3 महीनों में वहाँ जम जाऊंगा, फिर तुम दोनों को लेके जाऊंगा, तब तक तुम दोनों आराम से रहना यहाँ। क्या सोच रहे हो पुष्पा? यही, वहाँ कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? देखो पुष्पा, मैं बच्चा थोड़ा ही हूँ, मैं अपनी देखभाल आप कर सकता हूँ। मुन्नी अपनी माँ को समझाओ कि मेरा मजाक न करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बोलो बोलो बोलो। आओ मनोहर, बहुत दिनों के बाद आए, क्या खबर है? जी, जब से खेल बंद हुआ है मैंने अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया, लेकिन एक खुशखबरी लाया हूँ। पुष्पा के घर गया था, उसके लड़की हुई है। कैसी बच्ची? गोरी चिट्टी है, फुट भर की है बच्ची, गोल मटोल है। वैसे माँ और बच्ची दोनों खैरियत से हैं। भगवान करे वो भी बड़ी होकर माँ की तरह सुंदर हो, गुणवती हो, माँ की आंखों की रोशनी बने। जब वहां जाओगे बच्ची को मेरा आशीर्वाद देना। जी बहुत अच्छा, अगर बच्ची नहीं समझी तो मैं उसकी माँ को आशीर्वाद दे दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। तुम लोग मिलकर एक
खेल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, उसका क्या हुआ? खाक हुआ, हम लोगों ने कोशिश की तो हीरो विलन बन गया, विलन हीरोइन बन गई और हीरोइन कॉमेडियन बन गया। हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि चांद जमीन के चारों तरफ घूमता है और जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है। और सूरज? सूरज हमारे पास एक ही है और सारी दुनिया उसके चारों तरफ घूमती है। ये बकवास है, सब बकवास है। तुम समझते हो मैं नहीं होगा तो स्टेज की सारी दुनिया खत्म हो जाएगी? हरगिज नहीं। तुम भी उतना ही समझदार हो जितना कि मैं। तुम भी मेहनत कर सकते हो जितनी मैं कर सकता हूं। तुम भी उसी तरह से काम चला सकते हो जैसे मैं चलाया करता था। जी नहीं, आप हैं और मैं अगर आपको एक कांच का टुकड़ा मिल जाए तो आप उसे हीरा बना सकते हैं और मुझे हीरा मिल जाए तो मैं उसे कांच समझकर फेंक दूंगा। आप में और मुझ में यही फर्क है। तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो, बिल्कुल बेकार बातें। और मैं कर ही क्या सकता हूं? तुम सब कुछ सकते हो। जाओ थिएटर जाओ, सबको इकट्ठा करो, दिन रात सोचो सोचो सोचो, मेहनत करो, खून पसीना एक करो, तुम सब कुछ कर सकोगे। हम कुछ नहीं कर सकते आपके बगैर, हम कुछ नहीं कर सकते। आप वापस थिएटर में आ जाइए। आप ही कहा करते थे कि कुछ भी हो थिएटर जारी रहना चाहिए। आप खुद कहते थे कि अपने आंसू पोंछ डालो, अपने जख्मों पर पट्टी बांध दो, अपने गम को भूल जाओ, क्योंकि हमें लोगों को हंसाना है, उनके आंसू पोंछना है, उनके गम भुलाना है। जिसने ये कहा था वो मर चुका है। क्यों? उस रात को एक बेवकूफ ने आपकी बेइज्जती की इसलिए? खबरदार जो इस बात का जिक्र किया, सुना तुमने? बुला, क्या हुआ? बुखार, इसीलिए तो वापस चला आया। मनोहर जी, डॉक्टर को फोन करना था। अभी करा। क्या बात है डॉक्टर साहब? जब तक जान है तब तक आस है। दो घंटे के बाद फिर इंजेक्शन दे देना और अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे फौरन टेलीफोन कर देना। जी बाबा, और टीका मतलब वो बहुत दर्द होता है। अच्छा मेरे बेटे, डॉक्टर साहब से कह दूंगा। बाबा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी गाड़ी चलाऊंगा। और हॉर्न कौन बजाएगा? तुम बाबा। बाबा तुम कहते हो माँ रोज आती है, जब मैं सो जाता हूँ तब क्यों आती है, जब मैं जागता हूँ तब क्यों नहीं आती? मेरे बच्चे, अब की बार जब माँ आएगी मैं उसे बांध कर रखूंगा, बांध कर रखूंगा, उसे कभी नहीं जाने दूंगा। हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। वो लोकनाथ बाबू से ऐसे नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते। क्या उन्होंने सचमुच ऐसा कहा था? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जानती हो शिवराज ने और क्या कहा था? क्या? ये कहा कि लोकनाथ बाबू ने तुम्हें अपने हाथ में रखने के लिए अपने बीमार बच्चे को तुम्हारे पीछे लगा दिया। नहीं नहीं, उसने लोकनाथ बाबू को तमाचा भी मारा था। तमाचा मारा था? पुष्पा, मैं ये सब कुछ तुमसे नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम ये जानना चाहती थी कि लोकनाथ बाबू थिएटर में क्यों नहीं जाते, अपने जिंदगी के रास्ते से चुपचाप क्यों हट गए, इसलिए कहना पड़ा। आपने ठीक ही किया मनोहर बाबू, ठीक ही किया। चांदनी, तुम उन्हीं का ख्याल रखना, मैं भी आ जाऊंगी। पुष्पा, पुष्पा मेरा
बच्चा सख्त बीमार, सख्त बीमार। भगवान जाने क्या होने वाला है। हाँ बोला। तुम कहती थी मैं रोज जाऊंगी, फिर आती क्यों नहीं? मैं आ गई हूँ बोला। नहीं तुम भी नहीं आती, माँ भी नहीं आती, मेरे पास कोई भी नहीं आता। मैं आऊंगी बोला, अब मैं तुम्हारे पास रोज आऊंगी। जरूर आओगी ना आंटी? हाँ हाँ मैं वादा करती हूँ। अब तुम ज्यादा ना बोलो, आराम से सो जाओ। तुम जाओगी तो नहीं? मुझे छोड़कर मत जाना आंटी। नहीं बोला नहीं, अब तुम आंखें बंद कर लो, बंद कर लो आंखें, बंद कर लो। जाजी का खत आया है दीदी। क्या लिखा है? वो खैरियत से पहुंच गए हैं। उन्हें लिख दो कि वापस आ जाए। क्यों? उन्होंने लोकनाथ बाबू का अपमान किया है और जब तक लोकनाथ बाबू से माफी नहीं मांगेंगे वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। दीदी ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कहती हूँ चांदनी, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मुझे बड़ी बड़ी बातें बनाना नहीं आती, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि इंसान किसी के दिल को दुख देकर कभी सुख नहीं पा सकता। जाननी आंसू की बुनियाद पर खुशी का महल खड़ा नहीं हो सकता। से सुलाकर गई थी? अभी तक सो रहा है। गाड़ी चलाऊंगा। और हॉर्न कौन बजाएगा? तुम बाबा। अगर वो ऐसे ही करते रहे तो पागल हो जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ पुष्पा? काम, अब काम ही उनका दुख भुला सकता है। उन्हें किसी तरह फिर काम पर लगाना चाहिए। हम उन्हें काम पर कैसे ले जाएंगे? कैसे कैसे? मनोहर बाबू। हाँ।
सब इंतजाम तो ठीक कर दिया है ना? अरे वो लोग आ गए। हाय तू ही तेरा
सुंदर, अति सुंदर, इसे फौरन स्टेज पर लाना चाहिए। तुम लोग यहाँ किस लिए खड़े हो? इतना कीमती वक्त क्यों जाया कर रहे हो? जाओ अपने काम पर जाओ। हम तो सिर्फ आप ही का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार? हाँ। किस बात का इंतजार? चलो चलो चलो, 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 चलो। आपकी लड़की काफी समझदार है, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है। मैं उसके लिए नया खेल तैयार करूंगा, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी स्टार बन सकती है। आदाब अर्ज़ है हुजूर, काम की बात तो हो गई, अब जरा दाम की बात भी हो जाए। हाँ फरमाइए। अब मैं क्या अर्ज करूंगा हुजूर, आप तो खुद समझदार हैं, हीरा तो आपने परख ही लिया है, अब जरा कीमत डाल दीजिएगा। फिलहाल हम उसे एक शो के लिए 150 रुपया दे सकेंगे। मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है, 150 रुपया हुजूर तो खुद कदरदान है, लेकिन अगर गुस्ताखी ना समझे तो जरा लिखत पढ़त हो जाए, मेरा मतलब है कंट्रैक्ट। देखिए आप किसी मंडी में नहीं, मेरे थिएटर में खड़े हैं, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आर्टिस्ट को अपने खून की बूंद की तरह समझता हूँ। आर्टिस्ट मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। हुजूर बिल्कुल बजा फरमाते, बिल्कुल बजा फरमाते हैं, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, खून बहुत पतला है और जबान तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन कंट्राट बड़ी ठोस चीज है हुजूर, और फिर धंधे में किसी का लिहाज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि धंधा तो धंधा है ना। अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो आप टिकट घर में बैठ जाया कीजिए, पहले अपने पैसे खड़े कीजिए फिर उसे स्टेज पर। बिल्कुल नेक ख्याल है हुजूर का, बिल्कुल नेक ख्याल है। आदाबर आदाबर। चांदनी मैं यहां हूं दीदी। मुन्नी ए मुन्नी, आज थिएटर कैसा रहा दीदी? बहुत अच्छा, और मैं खुश हूं कि लोकनाथ बाबू फिर काम पर लगे हैं। दीदी आज मालिक मकान का आदमी फिर आया था। फिर? वो किराए के लिए बहुत झगड़ा कर रहा था, मैंने उसे कल सुबह आने को कहा है। कल सुबह? मनोहर बाबू। कौन है? ओ पुष्पा, मैं आपको एक छोटी सी तकलीफ देने आई। वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ तकलीफ वहां तकलीफ, उधर तकलीफ इधर तकलीफ, वेरी बैड वेरी बैड। बोलो क्या तकलीफ है तुम्हें? मुझे कुछ रुपये की सख्त जरूरत है, वो आजकल यहाँ नहीं है और मालिक मकान बहुत परेशान कर रहा है। अगर अगर आप ये बेच दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन देखिए किसी को पता ना चले। कमाल है कमाल है, एक रुपए के लिए जेवर बेचता है, दूसरा रुपयों के लिए अपनी इंसानियत बेचता है। जरा डांसर का नाम हो गया है तो अभी अकड़ने लग गए हैं, अकड़ने लग गए हैं। अरे एक शो के 300 रुपये मांगता है, 300। अरे सारे टिकटें बिक गई हैं, 2 घंटे रह गए शो में। ओ अच्छी बात है, अगर आप वक्त का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। अब तुम इसलिए 300 रुपया चाहते हो कि वो स्टेज पर कामयाब होगी है, और खेल शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है, ये सौदा करते हुए शर्म नहीं आती? अजी शर्म किस बात की, धंधा तो धंधा है हुजूर। उस वक्त तुम्हारा धंधा कहाँ था जब उसे कोई नहीं जानता था, जब वो खुश नहीं थी? क्या वो दिन इतनी जल्दी भूल गए? मैं नहीं भूला हुजूर, आप भूल रही हैं। पहले वो कुछ नहीं थी लेकिन अब बहुत कुछ है। लेकिन क्यों, किसकी वजह से, किसने उसे बनाया है, किसने उसे कामयाबी दी है? तकदीर में, जब तकदीर में होता है तभी धंधा होता है हुजूर, और फिर रुपयों की जरूरत किसे नहीं होती हुजूर? हाँ हम सबको रुपये की जरूरत है, लेकिन दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं, शराफत और इंसानियत भी कोई चीज है। मगर रुपये का जवाब नहीं हुजूर, रुपया सब कुछ कर सकता है। तो तुम रुपये के लिए सब कुछ कर सकते हो, अपनी शराफत बेच सकते हो, किसी का खून कर सकते हो। खून अपने बस का रोग नहीं हुजूर, क्योंकि खून की सजा फांसी होती है, और मुझे तो अभी
बहुत धंधा करना है हुजूर। खामोश! निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जैसे आपकी मर्जी हुजूर, आधा वर्ज है आधा। जरा ठहरिए, ये लकड़ी कंपनी की है। ले लीजिए हुजूर, आधा वर्ज। आधा वर्ज दादा बंद करो। अब हम क्या करेंगे, शो कैसे होगा? खेल जैसे होता था वैसे ही होगा। पुष्पा भी जिंदा है। पुष्पा! नहीं नहीं, मैं तुम्हें स्टेज पर नहीं जाने दूंगा। शिवराज यहां नहीं है, उससे पूछे बिना तुम काम नहीं कर सकते। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे काम चाहिए, रुपए की सख्त जरूरत है। कल सुबह ही मकान का किराया चुकाना है। क्या आप चाहते हैं कि मैं और मेरी मुनि सड़कों पर भटकते फिरे? पुष्पा, तुम्हें जितना रुपया चाहिए ले जाओ। आप मुझे भीख देना चाहते हैं? आप जानते हैं मैं पहले पुरानी टीन डिब्बे बेचा करती थी, लेकिन कभी किसी से भीख नहीं मांगी। मैं भी मेहनत करूंगी, काम करके पैसा लूंगी। चांदनी, चांदनी, चांदनी! जीजा जी, कैसी हो चांदनी? ठीक हूँ। मुन्नी कैसी है? वो भी ठीक है। उस नौकरी का क्या हुआ? वहां जाना बेकार रहा। तो वो नौकरी नहीं मिली? नहीं। तुम्हारी दीदी कहाँ है? दीदी वो जरा बाहर गई है। कहाँ? जीजा जी, कुछ रुपयों का इंतजाम करना था, दीदी रुपए लेने गई है। रुपए कहाँ से? थिएटर से। थिएटर से? बात यह है जीजा जी, मालिक मकान हमें बहुत परेशान कर रहा था। अब हम किराया दिए बिना यहाँ नहीं रह सकते थे, और आपके आने तक ये जगह छोड़कर कहीं और भी नहीं जा सकते थे, इसलिए दीदी को जाना पड़ा। मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ जीजा जी? जीजा जी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मालिक मकान परेशान करता है, दीदी रुपए का इंतजाम करने गई है और वो वहां स्टेज पर नाच रही है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे पहले ही मालूम होना चाहिए था स्टेज का शौक कितना बुरा होता है। स्टेज की शान शौकत, शोहरत, दौलत और बड़े बड़े लोगों से मेल जोल, ये सब इंसान को अंधा बना देता है। जीजा जी, मेरी दीदी ऐसी नहीं है, उसने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया। नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। वो वहां स्टेज पर नाच रही है और यहाँ ये मासूम बच्ची अकेली पड़ी है, भूखी प्यासी बेसहारा। लेकिन मैं जो इसके पास हूँ। इसको तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसको माँ की जरूरत है। जी हाँ, आपको नहीं मालूम आजकल कितनी माँ को अपने मासूम विरक्ते हुए बच्चे छोड़कर काम पर जाना पड़ता है, कितनी माँ को घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। आपके चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी दीदी पर थी, उसने एक एक करके अपने सारे गहने बेच डाले। किसके लिए? इस मासूम बच्चे के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। वो अपना नहीं आपका फर्ज पूरा कर रही है। चुप रहो चांदनी, मैं लेक्चर नहीं सुनना चाहता, मैं सब समझता हूँ। जी हाँ, मर्द जो कुछ समझते हैं वो सही है और औरत जो कुछ करती है वो गलत है। चांदनी, दीदी, दीदी, क्या है चांदनी? जल्दी घर चलो दीदी, मुन्नी तो ठीक है ना? मुन्नी नहीं, जीजा जी वापस आ गए। हाँ? वो तुमसे मिलने यहाँ भी आए थे। यहाँ? हाँ? लेकिन वो मुझसे तो नहीं मिले। यही तो मैं कहती हूँ, वो सख्त नाराज है, बहुत गुस्से में है। दीदी जल्दी चलो। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है चांदनी? कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम दीदी, जीजा जी यहीं पे थे, कहीं तुम्हें देखने थिएटर तो नहीं चले गए? थिएटर? वो यहाँ आए थे। कौन? जीजा जी, वो घर में नहीं है और मुन्नी भी गायब है। कोई आपके लिए खत गेट पे दे गया था। पुष्पा, तुम अपने रास्ते पर चल रही हो, मैं भी अपना रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। आज से हम दोनों के रास्ते जुदा हैं। बाकी रही मुन्नी, मेरे लिए उसी मां मर चुकी है। शिवराज, ये सब क्या है? थोड़ी देर पहले जीजा जी आए थे,
जब उन्हें पता चला कि दीदी यहाँ काम कर रही है तो गुस्से से पागल हो गए। मैं दीदी को बुलाने यहाँ चली आई, लेकिन हमारे घर पहुँचने से पहले ही जीजाजी मुन्नी को लेकर चले गए, मालूम नहीं कहाँ। तुम दोनों यही ठहरो, मनोहर फिलहाल किसी को कुछ पता न चले। बहुत अच्छी बात। दीदी दीदी, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या पाप किया है? हेलो, यस, क्या? जरा ठहरो। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, ठीक है, थैंक यू। लीजिए, उसका पता चल गया। शुक्रिया। मैं भी साथ चलूँ? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस यही काफी। थैंक यू सर। पुष्पा, पुष्पा। कौन? मैं हूं, शिवराज का पता चल गया है, तुम्हारी मुन्नी भी वहीं। कहाँ? कहाँ है वो? कहाँ है मेरी मुन्नी? मैं तुम्हें उन्हीं के पास ले जाने आया, चल। मुन्नी कहाँ है? मेरी मुन्नी कहाँ है? तुम्हारी मुन्नी? अब तुम्हें मुन्नी से क्या वास्ता? ये आप क्या कह रहे हैं? बताइए मेरी मुन्नी कहाँ है? मेरी मुन्नी भूखी है। तुम फिक्र न करो, वो आराम से उधर सो रही है। तुम मुझसे नहीं मिल सकते। आपको क्या हो गया है? आप घर छोड़कर क्यों चले आए? घर? कौन सा घर? किसका घर? वो घर तुम्हारा है, मेरा नहीं। मेरी जगह यही है। तो मैं भी यही रहूंगी। आप यहाँ हैं, मेरी मुन्नी यहाँ है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। ओहो, अब तुम्हें उसका ख्याल आया है, अब तुम्हें उसकी याद सता रही है, अब तुम्हारे दिल में उसके लिए प्रेम उबल आया है। लेकिन उस वक्त तुम्हारा प्रेम कहाँ गया था, जब तुम स्टेज पर नाचने के लिए उसे अकेले छोड़कर चली गई थी? अब मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ कभी नहीं जाऊंगी। मैं तो सिर्फ अपने मुन्नी के लिए थिएटर गई थी। मुन्नी के लिए या तुम्हारे उस मेहरबान लोकनाथ के लिए? उन्हें दोष न दीजिए, उनके बारे में कुछ न कही, नहीं तो भगवान आपको सजा देगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा लोकनाथ देवता है और मैं जलील हूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरे पास क्या रखा है? जाओ अपने उस मेहरबान के पास जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। आर्टिस्ट का मेरे पांव पड़ना शोभा नहीं देता, लोग तुम पर हंसेंगे। लोग मुझ पर हंसेंगे क्योंकि मैं अपने पति के पांव पर गिरकर दया की भीख मांग रही हूं। मैं अपने पति के चरणों में उस पाप की क्षमा के लिए पड़ी हूं जो मैंने कभी नहीं किया। हाँ, लोग मुझ पर हंसेंगे और इस वक्त आप ही हंस रहे हैं क्योंकि आप वो दिन भूल गए जब एक मासूम लड़की ने आप पर अपनी मुस्कुराहटें बरसाई थी, आप पर अपने अरमान निछावर किए थे, आपसे मोहब्बत की थी। एक मासूम लड़की की मोहब्बत ने आपको सहारा दिया, आपकी देखभाल, आपको नई जिंदगी। उसने आपकी जिंदगी में खुशी और आराम लाने के लिए दिन रात मेहनत और गुलामी की, आपके लिए घर बनाया, आपके बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बदले में
उसे क्या मिला। मैं आपकी बीवी हूँ, आपने अब तक मेरे लिए क्या किया है? वो आपकी बच्ची है, आपने उसके लिए क्या किया है? मैं आपसे जवाब मांगती हूँ, मैं उन लोगों से जवाब मांगूंगी जो मुझ पर हंसेंगे। अच्छा, तो तुम ही ने ये नाटक रचाया था? ये नाटक नहीं है, ये जिंदगी की एक हकीकत है। ये एक मासूम औरत की मोहब्बत है जो उसे अपने पति के कदमों में खींच लाई। ये एक दुखी मां की ममता है जो उसे अपनी बच्ची की तरफ ले आई, और तुमने उसे ठुकरा दिया। वो इसी काबिल थी, वो मेरी गैरहाजिरी में तुम्हारे साथ। खामोश! जानते हो अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई होता तो क्या करता? अपना मन काला कर लोगे तो सारी दुनिया काली नजर आएगी। पुष्पा, क्या हुआ पुष्पा? पुष्पा, बहुत दिनों की बात है, एक मासूम लड़की ने एक कठपुतली को नाचते देखा और उसका जी चाहा कि वो भी किसी तरह कठपुतली बन जाए। उस नादान लड़की का ख्याल था कि कठपुतली एक निराली चीज है जिसके जीवन में कोई बंधन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। एक दिन वो लड़की सचमुच कठपुतली बन गई, जीती जागती कठपुतली। अब उसे मालूम हुआ कि उसका जीवन एक अनदेखी डोरी से बंधा है। वो डोरी जालिम तकदीर के हाथ में है और उसे तकदीर के इशारों पर नाचना पड़ता है। आज मैं फिर नाच रही हूं। Thank you.
जल्दी से, जल्दी गिराओ। चांदनी, क्या कर रहा हूं, पागल कहीं गए। नहीं नहीं पुष्पा नहीं,